तो चलिए फ्रेंड्स, इस बार आपको ले चलते हैं मोटरसाइकिल इंजीनियरिंग के इतिहास के अनोखे और रोमांचक सफर पे। ईयर 1885 में इन्वेंटेड वो पहली वुडन मोटरसाइकिल से लेकर आज की एंड्योरेंस, ड्रैग और डर्ट रेसिंग मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करने तक का सफर इनोवेशन और डेयरिंग से भरपूर रहा है। दुनिया की सबसे पहली मोटरसाइकिल इन्वेंट करी थी जर्मनी के जी डैमलर और विलहेम मेबैक ने। 0.5 हॉर्स पावर के सिंगल इंजन पावर्ड उस बाइक की मैक्स स्पीड थी 16 किलोमीटर पर आवर। उस बाइक को रोकना होता था तो इंजन बंद करके टायर की फ्रिक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता था। ऐसा क्यों? अरे भाई, उसमें ब्रेक ही नहीं थी ना। इन्वेंशन के पहले कुछ साल तक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही होता था, पर जल्द ही उनके स्लीक डिजाइन, पावरफुल इंजिन्स, स्पीड और मैन्युवरेबिलिटी की वजह से उनकी जनरल पब्लिक में पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। इन्हीं क्वालिटीज की वजह से ही बाइक को रेसिंग के नजर से भी परफेक्ट फिट देखा जाने लगा। ईयर 1894 में सबसे पहली मोटरसाइकिल रेस ऑर्गेनाइज करी गई। फ्रांस न्यूज़पेपर ली पेटिट जर्नल द्वारा आयोजित ये 122 किलोमीटर की रेस थी, जो पेरिस से रोएन के बीच में ऑर्गेनाइज की गई। इस रेस में मोटरसाइकिल रेसर्स की तो हालत ही पस्त हो गई। एक महाशय तो रेस शुरू होने के कुछ देर में ही धराशायी हो गए और दूसरे को लग गए रेस कंप्लीट करने में पूरे 10 घंटे। अर्ली 1900s में आई ग्रेट ब्रिटेन की इंडियन मोटरसाइकिल कंपनी द्वारा डेवलप्ड सबसे पहली रेसिंग बाइक, 1.75 HP पावर्ड सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, स्टील ट्यूबिंग बेस, लाइट वेट पर मजबूत फ्रेम और पावर के लिए बड़ा कार्बोरेटर इस बाइक की खूबियां थी। मैक्स स्पीड बढ़ के हो गई 45 किलोमीटर पर आवर, और हाँ भाई, इसमें ब्रेक थी। आने वाले कई डिकेड्स रेसिंग मोटरबाइक्स की निरंतर इवोल्यूशन के साक्षी बने। पहले कुछ सालों में बाइक्स में बहुत ही बेसिक ब्रेक्स और सस्पेंशन होने के बावजूद बाइकर्स उनकी मैक्सिमम स्पीड को रेगुलरली टेस्ट करते रहे। उनके इस डेयरिंग और जिंदा दिली के किस्से दुनिया भर में प्रचलित होने लगे। फिर क्या था, हार्ले डेविडसन, इंडियन, एक्सेलसियर और ब्रो सुपीरियर जैसी मैन्युफैक्चरर्स में मानो बेहतर से बेहतर बाइक्स बनाने की होड़ सी लग गई। इन मैन्युफैक्चरर्स ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करके बाइक्स की एरोडायनामिक्स, मैन्युवरेबिलिटी, हैंडलिंग जैसे कई कैरेक्टरिस्टिक्स पे फुल ऑन एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें और बेहतर बनाते गए और बाइक्स बनती गई फास्ट और फास्ट, सुपर फास्ट। प्री वर्ल्ड वॉर टू बाइक्स। प्री वर्ल्ड वॉर टू बाइक्स में आ गए और अपग्रेडेड इंजन्स, सस्पेंशन सिस्टम और ब्रेक्स। ज्यादा स्ट्रीमलाइंड बॉडी वर्क की वजह से बाइक्स में एयर रेजिस्टेंस कम हुआ और उनकी स्पीड और इंक्रीज हो पाई। प्री वर्ल्ड वॉर टू की सबसे पॉपुलर बाइक्स थी रज अल्स्टर, ईयर ऑफ लॉन्च 1927, वेलोसेट KTT, ईयर ऑफ लॉन्च 1929, DKW UL 500, ईयर ऑफ लॉन्च 1935, BMW R5, year of launch 1937, Norton Manx, year of launch 1939, क्लासिक रेसिंग बाइक्स। फिर आया क्लासिक रेसिंग मोटरसाइकिल्स का दौर। हल्का पर दमदार डिजाइन, ड्रम ब्रेक्स और सिंपल सस्पेंशन सिस्टम इन बाइक्स के प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स थे। स्टाइल के नजरिए से ये बाइक सबको दीवाना बना देने में केपेबल थी और इनका इस्तेमाल उस दौर के लगभग सारी रेसिंग इवेंट्स में किया जाता था। एक से बढ़कर एक चमकदार क्लासिक बाइक्स बनाने की होड़ में सबसे आगे थी यूएस की हार्ले डेविडसन, ब्रिटेन की ट्रायम्फ और नॉर्टन, जर्मनी की BMW और जापान की होंडा जैसी विश्व विख्यात बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। पोस्ट वर्ल्ड वॉर बाइक्स। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई और बाइक्स और इवॉल्व हुई। टेक्नोलॉजी और डिजाइन में एडवांसमेंट की वजह से बाइक्स बनी और पावरफुल, फुर्तीली और बहुत ज्यादा तेज। रेसिंग के अलग अलग प्रकार जैसे कि सर्किट रेसिंग, डर्ट बाइक रेसिंग, ड्रैग रेसिंग और एंड्योरेंस रेसिंग प्रचलन में आई। मैन्युफैक्चरर्स में हॉर्सेस और कोर्सेस का प्रचलन शुरू हुआ। जैसी रेस वैसी बाइक। मिसाल के तौर पे सर्किट रेसिंग के लिए बनी यामाहा TZ750, Ducati 916 और Honda RC181 जैसी बाइक्स। एंड्यूरेंस रेसिंग के लिए BMW S1000RR और Yamaha YZF-R1 और ड्रैग रेसिंग के लिए Honda CB750, Kawasaki Z1 और Suzuki Hayabusa।
मॉडर्न डे रेसिंग बाइक्स। आज के युग की रेसिंग बाइक्स तकनीकी रूप से दुनिया की सबसे एडवांस्ड मशीन्स हैं। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई परफॉर्मेंस इंजिन्स, सोफिस्टिकेटेड सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम और एकदम लाइटवेट डिजाइन इन बाइक्स की बस चंद ही खूबियां हैं। औसतन इन बाइक्स की स्पीड 320 किलोमीटर पर आर की होती है। दुनिया की सबसे तेज बाइक है MTT 420 RR, जिसकी स्पीड है 440 किलोमीटर पर आर। तो धूम मचाले, रंग जमाले। दशकों से चली आ रही तेज रेसिंग बाइक्स बनाने की रेस में कंट्रीज भी पीछे नहीं है। इस रेस में सबसे आगे है इटली, US, जापान, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन, जहां की गवर्नमेंट्स ने फास्टेस्ट बाइक्स की डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज गठन करी और जिनकी R&D में भरपूर फंडिंग करी। तभी तो ये कंट्रीज वर्ल्ड क्लास रेसिंग बाइक्स बनाने में बाकी कंट्रीज से काफी साल आगे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको बाइक्स की इवोल्यूशन की ये छोटी सी कहानी? लाइक, शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू।